तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फाइनली यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है और कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो जिनका नहीं हो पाया है तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप प्लीज़ निराश ना हों। लाइफ में आप हमेशा स्ट्रगल की तरफ ही मूव करें और ध्यान दें। हो सकता है शायद इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम आपका हो सकता है अटैम्प्ट क्लियर हो जाए। तो आपने ये नहीं सोचना है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होना ना, होगा कि नहीं होगा, तो ये टेंशन नहीं लेना है। आपको हमेशा उस दिशा में जाना है जहाँ पर आपको लगे कि हाँ मैं कर लूँगा और नेक्स्ट टाइम मेरा जो अटैम्प्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। काफ़ी जो है निराश हुए हैं, कुछ लोगों का फाइनल अटैम्प्ट था तो काफ़ी ज़्यादा निराश हुए। और लाइफ यार एक ही नहीं है कि आप ये मान लो कि आपके पास एक ही सोर्स है, ठीक है, बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आपका यहाँ पर क्लियर नहीं होता है तो लाइफ में और भी चीज़ें हैं आप जो आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। तो हमेशा ही ये चीज़ ध्यान रखें कि कोशिश रहे कि आप हमेशा ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक मान लो एग्ज़ाम से आपका ये नहीं कि ज़िंदगी आपकी रुक जाएगी, तो हमेशा खुद से ये सोचना कि इस बार अगर नहीं हुआ या कुछ भी, अगर मेरा फाइनल अटैम्प्ट है, कुछ भी अटैम्प्ट हो, क्लियर होता है या नहीं क्लियर होता है, तो हार नहीं माननी लाइफ में। क्योंकि ज़िंदगी का एक ये चीज़ है कि आपसे मेहनत करवाएगी, आपकी परीक्षा ली जाएगी, हाँ कि आप खड़े उतर पाते हैं। UPSC का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर कोई इंसान चाहता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत से, जितने सालों की अपनी मेहनत है, जी जान से झोंक दूँ। सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के अपने टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपना हर चीज़ कुर्बान करने के लिए आप तैयार हो, तो अपने को मजबूत बनाने की कोशिश करो। भी नहीं आप अगर सफल हो गए तो फिर कब, खुद को मोटिवेट करो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत आपको सपोर्ट कर रही है। और हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप, हमेशा ये चीज़ होना है, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी है, चलते रहना, उठकर फिर खड़े हो जाना, फिर चलना, फिर उठना, फिर